ये देखिए ये लिस्ट ऑफ मैदीज, ये देख रहे हैं आप सदियों के अतबार से, 10th सेंचुरी से लेकर आप देख सकते हो यहां पर ये नाम दिए हुए, इतने सारे झूठे दावेदार देख रहे हैं आप लोगों को दिख रहा है। तो ये देख रहे हैं आप नामों से 10वीं सदी में किस किस ने दावा किया था, यानी कि हम ये कौन सी सदी बोल रहे हैं, ये हिजरी सदी नहीं है, ये क्रिश्चियन एरा सीई उसकी बात कर रहे हैं, 10वीं सदी, फिर ये 10वीं सदी की बात है, और फिर उसके बाद में यहां से हम देख रहे हैं 12वीं सदी, 14वीं सदी, हर सदी में हम देखते हैं लोग हैं मौजूद जिन्होंने झूठा दावा किया है कि मैं मेहदी हूं, मैं मेहदी हूं, 15th सदी और 16th सेंचुरी, हाँ, फिर उसके बाद आप देख रहे हैं 17th सेंचुरी में कौन कौन है, 18th सेंचुरी में कौन कौन है, 19th सेंचुरी में कौन कौन है, और ये इंटरेस्टिंग में ये बाब आप देख रहे हो, अली मोहम्मद शिराजी बाब, ये इसने एक अलग आगे जाकर बाबिज्म नाम का एक अलग रिलीजन ही स्टार्ट किया, शुरुआत मेहदी के दावे से किया, फिर बाब जाकर बाबिज्म नाम का एक अलग रिलीजन और बहाई फेथ, जो बहाई बोलते हैं ना, ये भाई वो नहीं, भाई वो वाला नहीं, ये बहाई है, बहाई फेथ, इनका एक नया उन्होंने मजहब ही शुरू कर दिया मेहदी का दावा करने के बाद, मजहब शुरू कर दिया। और हाँ, मिर्जा गुलाम अहमद जिसने नबुवत का दावा किया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मैं अल्लाह का नबी हूँ, उसने शुरू में हम देखते हैं मेहदी का भी दावा किया था और कहा कि मैं ईसा भी हूँ और मेहदी भी हूँ, और फिर जाकर नबुवत का दावा किया। तो मेहदी से शुरुआत हुई। और अमेरिका के अंदर एक ग्रुप है द नेशन ऑफ इस्लाम, उसका जो फाउंडर है फर्द मोहम्मद, वैलिस फर्द मोहम्मद, उसने भी मेहदी होने का दावा किया 20वीं सदी, 20th सेंचुरी, अभी 21st सेंचुरी चल रही है ना, 20th सेंचुरी यानी पिछली सदी की बात हो रही है। इसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा जो शॉकिंग मामला हुआ था सऊदी अरेबिया में, कि सऊदी अरेबिया में मस्जिद हराम को ऐसे झूठे मेहदी के दावेदार ने अपनी तकरीबन 200 लोगों के साथ आकर और आर्म्स के साथ में आए थे, और उन्होंने जाकर उसे क्या कर लिया, पूरे मस्जिद हरम को अपने कंट्रोल में ले लिया। और जुलेमान अलुतैबी जो बहुत मशहूर मामला है, उसके साथ में उसका जो रिलेटिव था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी, उसने दावा किया था कि मैं मेहदी। रिजल्ट क्या हुआ कि पूरा ये जिस तरह से उन लोगों ने मस्जिद हराम को अपने कंट्रोल में लिया, उनसे छुड़ाना, 1979 की बात है, 300 लोगों का कत्ल हो गया, यानी झूठे मेहदी के दावेदार जो है ना, ये किसी भी कंट्री किसी भी जगह की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भी बहुत बड़े रिस्क होते हैं। उसी तरह आप देख सकते हैं रियाज अहमद गोहर शाही, तो गोहर शाही 1941 में पैदा हुआ था और तकरीबन 2001 में लास्ट पब्लिक व्यू था, 2001 में उसने भी मेहदी का दावा किया, लेकिन उसका अजीब सा दावा है, मल्टी रिलीजन, सब कई रिलीजन को समेटते हुए, वो कहा कि मैं इस्लाम में मेहदी हूँ, हिंदुओं का मैं कल्कि अवतार हूँ और क्रिश्चियंस का अवेटेड मसीहा हूँ, यानी सब लोग आओ मुझ पे मानो, और गोहर शाही, हाँ, तो ये गोहर शाही का मामला है। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कई सारे और लोग, और 21st सेंचुरी में आते हैं तो भी बाज लोगों ने क्लेम किया है, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जैसे जो खुद क्लेम नहीं किया लेकिन उनके सपोर्टर्स क्लेम करते हैं कि मेहदी है। जैसे आप मिसाल के तौर पर देख सकते हैं मशहूर पर्सन जिनके बारे में आपने सुना होगा, हारून याहिया, जिसका नाम असल नाम अदनान उख्तर, हाँ, हारून याहिया के बारे में उसके जो फॉलोअर्स है वो क्लेम करते हैं, उसके जो सपोर्टर्स है वो क्लेम करते हैं कि वो मेहदी है। और क्या स्टेटमेंट है मैं बताना चाहूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट मुझे मिला, उनका क्या कहना है, यहाँ पर स्टेटमेंट अगर देखेंगे तो कहा कि अदनान उख्तर ने कहा कि मेहदी टर्की में से आने वाला है, हाँ, मेहदी टर्की में से आने वाला है, और बस करीब करीब लाकर कोई भी समझ जाए कि वो क्लेम कर रहे हैं कि वो खुद मेहदी है, हाँ, वो क्लेम कर रहा है खुद मेहदी है, अल्लाह की पना। कि हारून याहिया शुरू में जब उसने इस्लामिक बुक्स प्रोड्यूस की और कुछ चीजें लोगों को बहुत अच्छी लगी थी, फिर बाद में जाके कई सारी असलियतें सामने आई कि क्या क्या असलियतें थी। इसी वजह से हमें देखना है कि कभी भी याद रखिए कि इल्म के मामले में जो ओरिजिनल ऑथेंटिक सोर्स होते हैं ना, वहां से लेना जरूरी होता है। कई चीजें दिखती है अट्रैक्टिव लेकिन आगे जाके जब उसकी बाकी की चीजें सामने आती है तब लोगों को पता चलता है कि इतना बड़ा धोखा उनको दिया जा रहा है। इसी वजह से तौहीद के मामले में पास है कि नहीं, इत्तबाए सुन्नत के मामले में पास है कि नहीं, कुरान और सुन्नत पे चलने के मामले में पास है कि नहीं, क्योंकि हारून याहिया की वीडियो में शुरू से यानी कोई हिजाब का मामला नहीं होता था, म्यूजिकल वगैरह होती थी और साइंटिफिक फैक्ट्स वगैरह होते थे, लेकिन साथ में ये सब इस्लामिक कॉम्प्रोमाइज भी होते थे। लेकिन आगे जाकर जब उसकी असलियत सामने आई तो पता चला कि खुदा की पना, यानी क्या क्या चीजें उसके अंदर थी छुपी हुई। तो ये है आज का मौजू, हमने स्टार्ट किया झूठे मेहदी के दावेदार, और स्टार्ट करेंगे हम अपना पहला ओपनिंग कमेंट शेख शाबान बिदार से लेंगे, और मैं शेख शाबान बिदार को ऐड कर रहा हूँ, शेख किफायतुल्लाह उनके बाद में रहेंगे इंशाल्लाह, और लास्ट में मैं कुछ और बातें लास्ट में बताऊंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आए। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें
और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकअल्लाह खैर, वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।